सो फाइनली आग लग गई, ये है आग जलाने वाला बंदरवा है ये हमारे घर का बंदरवा। उधर ही खिल्ला है वो, जितनी भी लकड़ी उधर है सब में खिल्ला है, हर एक उसमें खिल्ला है, चोट लग सकती है वो भी बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग अभी गोल प्रिपेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बारबेक्यू पार्टी, और ये सब लोग मिलके पार्टी कर रहे हैं हम लोग अपने छत पे। बिल्कुल सर्दी का टाइम है, आप देख सकते हैं कितना फॉग है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बारबेक्यू करने से पहले मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, वो मैं आपको दिखा दूँ, तब जाके हम लोग बारबेक्यू के इस प्रोसेस पे पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैंने सुबह में ही, रात को बारबेक्यू करना था तो मैंने मॉर्निंग में ही चिकन मंगा लिया था। यहाँ पे 6 kg चिकन है, चिकन तंदूरी बना रहे हैं तो ऑब्वियस है चिकन डालेंगे। तो यहाँ पर जो चिकन है वो मैं एक बड़े बर्तन में पहले निकाल ले रही हूँ ताकि सारा एक जगह पहले तो कलेक्ट हो जाए, एंड सेकेंड थिंग कि अच्छे से फिर इसको हम लोग वॉश करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से निकाल लें और फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। चिकन को परफेक्टली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो उसके अंदर जो ब्लड के आपको कहीं कहीं क्लॉट्स दिख रहे हैं, और स्किन है उसकी जो वेस्ट स्किन है, स्किन फैट है एक्स्ट्रा, और जो भी आपको इसमें गंदगी दिखती है उन सब को आपको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने ऑफ कैमरा चिकन को साफ कर लिया है। मसाले में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा फूड कलर है, हल्दी है, पिसी हुई धनिया है और नमक है, और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। और इन सब को डालने के बाद अब इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो नींबू का रस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 4 से 5 नींबू का रस डाल रही हूँ, इतनी सारी क्वान्टिटी है। और दही भी डालूँगी तो उससे भी थोड़ा खट्टा होगा, तो 4 से 5 नींबू का रस मैं यहाँ पर निचोड़ दे रही हूँ। आप चाहें तो जैसे बना रहे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वान्टिटी में बना रहे हैं, 2 kg, 4 kg, 6 kg, उसके हिसाब से। मैंने 6 kg के में 5 नींबू का रस ऑलमोस्ट डाला है, और लेमन का साइज़ बड़ा है तो आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है और जो सीड है वो गिर गए हैं जो निकाल ले रही हूँ। तो अब मैं इसको डालने के बाद इसमें एवरेस्ट का तंदूरी चिकन मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो शान का डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मेरे पास ये वाला अवेलेबल है और ये अच्छा भी है, तो इसको मैं डाल दे रही हूँ। और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट देखा होगा आपने, मैंने डाल दिया इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट अभी, और तंदूरी मसाला डाला। अब इसमें जा रही है दही, और दहियों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर जो है अपना, जब अच्छा सा कलर आएगा ना तो पूरा रेड रेड सा अच्छा सा चिकन आपका रेडी हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक पैकेट इस्तेमाल किया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने होममेड मसाले से बनाए हैं, थोड़ा मैंने एक पैक इसलिए डाल दिया ताकि थोड़ा सा टेस्ट उसका भी आ जाए। और उसके बाद मैंने इसे, जैसे कि रात को बारबेक्यू मुझे करना है तो मैंने मॉर्निंग में ही ये प्रोसेस करके रख दिया ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए अंदर। तो अब उसके लिए एक डिप तैयार करेंगे। साथ में जो मैं डिप तैयार कर रही हूँ, 1 कप मैंने मेयोनीज़ लिया है, और ये एगलेस वाली मेयोनीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास वही अभी था। और आपकी मर्ज़ी है, आप एगलेस चाहे तो ले लो, चाहे तो एग वाली ले लो। उसके बाद इसमें जो है मैंने डाल दिया दूध, तो आपने देखा मैंने 1/3 कप के जितना दूध डाल दिया। और उसके बाद इसमें जाएगी 3 से 4 चम्मच हरी चटनी। हरी चटनी बिल्कुल भी तीखी नहीं है, थोड़ी कम तीखी है, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं है इसमें। फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटे टेस्ट के लिए, क्योंकि मेयोनीज़ में अपना कोई टेस्ट नहीं होता वैसे एज सच। तो उसके बाद मैंने डाल के इन सबको, और एक चीज़ मैं भूल गई थी, लेमन जूस, तो वो मैंने बताया नहीं, तो लेमन जूस भी आप डाल दीजिएगा, इससे एक टैंगी सा टेस्ट आएगा, और पीस लेना है इसको। तो ये देखिए इस तरीके की आपकी टेस्टी सी ग्रीन टेस्टी जो डिप है आपकी तैयार हो जाएगी। तो पास से मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी है, आप गाढ़ी या पतली अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके की चटनी रेडी हो गई है, और ये पकौड़ियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तंदूरी के साथ भी यम लगती है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये शाम का टाइम हो चुका है तो अभी हम लोग बारबेक्यू करने जा रहे हैं। ये शाम की क्लिप है, इसमें मैंने बटर ले लिया है, बटर को मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, ठंडी का टाइम है तो बर्फ़ जमा हुआ है। उसके बाद मेल्ट करने के बाद 20 सेकेंड इसमें मैंने अच्छी खासी क्वान्टिटी में हरी धनिया डाल के मिक्स कर लिया, तो बटर और जो धनिया है वो अच्छे से मिक्स हो गई। इसको हम लोग अपने चिकन तंदूरी पे अप्लाई करेंगे।
तो आप ये देखिए यमी सा जो मिक्सचर है बटर और धनिया का तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल दें, यमी लगेगा वो भी। तो उसके बाद देखें आप यहाँ पे साथ में मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे पुलाव, सिंपल सा थोड़े मसालों के साथ मैंने पुलाव बनाया है जिसको तंदूरी से हम लोग सर्व करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसको प्लेट में निकाल लिया गया है और उसके बाद इसे कटोरी में मैंने चटनी निकाल ली है। और जैसे कि मेरे घर में मेरे फादर इन लोग को अर्जेंटली चाहिए था तो मैंने इसको माइक्रोवेव में कुक करके दी है। देखिए माइक्रोवेव में भी अच्छा बन जाता है बट बारबेक्यू की तो बात ही अलग होती है। तो वो मैंने माइक्रोवेव में बनाया है और इस तरीके की मैंने प्लेटर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब सारे काम से फ्री हो चुके हैं तो अब चलते हैं छत पे और इन्जॉय करते हैं फिर हम लोग अपना बारबेक्यू। तो ये है प्लेटर रेडी। तो ये देखिए अभी स्टार्टिंग हो रही है कोयला बनाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा लकड़ी वगैरह हम लोग यहाँ पे जलाया जा रहा है ऊपर। तो ये जो जेंट्स पार्टी है बॉयज़ पार्टी है वो ये सारी लकड़ी जो है वो लोग जला रहे हैं। और उसके बाद जब ये अच्छा सा मौसम देख रहे हैं आप बारबेक्यू करने का असली मज़ा कोल्ड आई थिंक विंटर ही है क्योंकि कोल्ड जब रहता है वेदर तो फिर बहुत मज़ा आती है बारबेक्यू करने में और आपको हीट भी मिल रही होती है। तो देखिए आग अच्छे से जो है जल चुकी है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा कोल बनने लगेगा मीन्स छोटे छोटे टुकड़े होने लगेंगे इनके तो उसके बाद हम लोग बारबेक्यू करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ स्क्यूअर है, स्क्यूअर में जो है पीस जो है लगाया जा रहा है। सच बताऊँ तो ये जो मैरिनेशन तक का प्रोसेस है मैंने किया है, उसके बाद बॉयज़ पार्टी ने किया है क्योंकि उन लोगों को शौक था, ये उन्हीं लोग का आइडिया था तो पार्टी भी उन्हीं लोग कर रहे हैं तो यहाँ से उन लोग बना रहे हैं, यहाँ से मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसके बाद देखें आप चिकन को इस तरीके से सेट करना है और जो थोड़ी बोन वाली है उसको संभाल के करें, आपके हाथ में आपको स्क्यूअर से लग भी सकता है तो ये ज़रूर ध्यान दे लें आप लोग, इस तरीके से स्क्यूअर पे सेट कर लें। अभी मैंने कम कम किया क्योंकि स्टार्टिंग में जो अंदाज़ नहीं मिला तो ये कम कर दिया गया, फिर बाद में मैंने और पीसेस इसमें ऐड करवा दी थी। तो इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद इसको रोस्ट करेंगे और यमी यमी सा जूसी तंदूरी चिकन आपका तैयार होगा। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी मैंने नहीं डाले, इतना सारा चिकन था उस हिसाब से मैंने स्पाइसेस लेस रखे हैं। तो अब मैं इसको जो है अंगारे के ऊपर प्लेस कर रही हूँ और उसके बाद इसको सेकूंगी और तब तक सेकना है इसको कि चिकन में से जो जूसेस हैं वो निकल के ड्रॉप होते हैं, ड्रिप होते हैं नीचे और उसके बाद इससे थोड़ा सा ड्राई होने लगता है और कलर अच्छा सा आने लगता है। तो फिर उसके बाद परफेक्ट तंदूरी चिकन आपका रेडी होता है। तो आप उसका कलर देख के ही समझ जाओगे कि इट इज़ टोटली रेडी। तो अभी ये देखिए बीच बीच में कोल थोड़ा सा हिला दिया जा रहा है और साथ में नीचे आलू भी रोस्ट की जा रही है। आप चाहें तो इसमें आलू वगैरह या फिर शकरकंदी जो होती है वो आप इस पे रोस्ट कर सकते हैं, यम लगता है उसका फ्लेवर। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने चार चार स्क्यूअर में आराम आराम से ही सेका है, एक साथ सारे नहीं डाल देने हैं। तो ये अब सिकना रेडी हो चुका है, जूसेस इसमें से सारे रिलीज़ हो चुके हैं और चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हल्का सा मैं धनिया और बटर वाला जो मैंने बोल में मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से जो जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर आपके जो चिकन तंदूरी है वो बनके तैयार होंगे। तो इसको एक प्लेट में निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जूसेस और जो भी है वो सब इसमें निकल जाए, फिर फाइनल प्लेट में आप इसको डिश आउट करेंगे। तो इसी एक प्लेट में मैंने सारा पहले निकाल लेना है, तो सारे जूसेस आप देख सकते हैं प्लेट में बटर एंड जूसेस हैं ये। तो चलिए यमी सा चिकन तंदूरी बारबेक्यू नाइट परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो अब क्या करना है, एक बोल में जो है मैंने जो चटनी प्रिपेयर की थी वो निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें हम लोग प्लेस करेंगे यम्मी यम्मी सा चिकन। और सच बताऊँ तो हम लोगों ने राइस बनाई थी, सीरियसली किसी ने नहीं खाया, सब ने तंदूरी ही खाया और सब ने बहुत एंजॉय किया और उसी से सब ने अपना पेट फुल कर लिया। और साथ में मैंने बनाई थी दूध दुलारी और मीठे में मैंने ना किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सब ने पहले तंदूरी एंजॉय किया और राइस पूरा का पूरा रखा रह गया, इतना यमी बना था। और आप लोग भी इसको ट्राई करें, विंटर में ट्राई करें और आउटडोर पे, या तो आप इसे छत पे या गार्डन में या मतलब ओपन प्लेस में आप इसको करें तो बहुत मज़ा आता है। अब ये हल्का सा बटर और मैं लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये बटरी हो जाए, ड्राई ड्राई सा खाने में ना लगे।
तो गरम गरम में ही लगाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से बटरी टेस्ट आएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन में। तो ये थी आज की हमारी बारबेक्यू पार्टी का व्लॉग, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके बाद हम लोग ने इसको खाने के बाद गर्मा गर्म चाय ली थी कोल्ड वेदर में, तो वो अभी मैं आगे आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ। तब तक पहले तंदूरी इन्जॉय कर लेती हूँ, उसके बाद चाय आपके साथ शेयर करूँगी। और आप फॉग देखिएगा कितना फॉग है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।